हरियाणा के यमुनानगर में आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शहर के सिविल हॉस्पिटल में गहनता से जांच की। सीएम फ्लाइंग की रेड से अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीएम फ्लाइंग ने सिविल हॉस्पिटल के हर ब्लॉक को बारीकी से जांचा। पंचकुला से आए अधिकारी सुखविंदर ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उनकी टीम यमुनानगर पहुंची है। सिविल हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर उनके साथ सिविल हॉस्पिटल में सरकारी सेवाओं की जाँच की गयी। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सुविधा की बारीकी से जांच की जा रही है। सरकार द्वारा मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा फ्री दी गई है, इसके लिए सभी एम्बुलेंस की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र, सीएमओ ऑफिस, अटल सेवा केंद्र और सभी केंद्रों पर जांच की जा रही है। इनके रिकॉर्ड मिलाए जाएंगे, यदि कोई भी अनियमितता पाई गई तो ठोस कार्यवाही अमल में ली जाएगी। कोई कमी नहीं पाई गई है, बाकी इनसे रिपोर्ट ली जाएगी और चेक भी किया जाएगा, रजिस्टर रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा जो भी एम्बुलेंस सुविधा इन्होंने पहले प्रदान की हुई है उनको बजरिया टेलीफोन करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे फोन करके फोन पे पता किया जाएगा कि क्या उनको सुविधाएं ठीक लगी या कोई समस्या तो नहीं आई, किसी एम्बुलेंस वाले ने कोई पैसा तो नहीं लिया, सरकार की नीतियाँ ठीक प्रकार से लागू है नहीं है, इस बारे में आज औचक निरीक्षण किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में होने वाले कार्यों पर सरकार की बारीकी से नजर रहती है। आमजन को मिलने वाली सुविधाओं में कोई दुविधा तो नहीं आ रही, कहीं कोई अधिकारी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इन तमाम पहलुओं की जांच में सीएम फ्लाइंग की अहम भूमिका होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के तमाम इंतजामों के बाद भी भ्रष्टाचार के मामले अक्सर देखने और सुनने को मिल ही जाते हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।